दोस्तों आपकी बॉडी मस्कुलर तभी दिखेगी जब आपकी बैक चौड़ी हो। अगर आपकी बैक चौड़ी होगी तो आपका शरीर चौड़ा दिखेगा, आप पे कपड़े अच्छे लगेंगे, आपके लुक भी एक बॉडी बिल्डर की तरह दिखेगी। इसीलिए आज मैं आपके लिए लाया हूँ बैक वर्कआउट एट होम पर। अगर आप जिम नहीं जाते, घर पर ही वर्कआउट करते हो, तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको ऐसी 5 एक्सरसाइज जिसे आप घर पर ही करके अपनी बैक को तेजी से चौड़ा बना सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं उन एक्सरसाइज को। इन एक्सरसाइज को आपने 3 महीने तक फॉलो करना है और उससे आपकी बैक तेजी से चौड़ी बन सकती है। तो चलिए बात करते हैं उन एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज नंबर 1, पुलअप। ये बैक की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसके लिए आप पार्क जा सकते हैं या आप घर पर ही कोई बार लगा सकते हैं। ये बार आपको ऑनलाइन या किसी भी स्पोर्ट्स की दुकान पर मिल जाएगी। इस एक्सरसाइज से आपकी बैक तेजी से चौड़ी बनती है, आपके लैट्स मसल्स तेजी से बड़े बनते हैं। इसके 3 सेट लगाएं, हर सेट में 8 से 10 रेपिटेशन तक लगाएं। एक्सरसाइज नंबर 2, बेंट ओवर रो। इसमें आपको एक टॉवल चाहिए होगा, उसे अच्छी तरह से रोल कर लें और टॉवल को दोनों कोनों से टाइट करके पकड़ लें। टॉवल को दोनों सिरों से एक दूसरे के विपरीत दिशा में अच्छी तरह खींचें, बिल्कुल खींच कर रखें। टॉवल को शोल्डर विड्थ के थोड़ा सा बाहर से पकड़ें, फिर अपने घुटने मोड़कर थोड़ा झुकें। आपकी बैक बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। फिर टॉवल को टाइट पकड़कर अपने स्टमक के पास लाएं, अपने पेट के पास लाएं। बैक को पीछे स्क्वीज करें और फिर आगे लेके जाएं तो बैक को आगे की तरफ अच्छी तरह स्ट्रेच करें। यह एक्सरसाइज आपकी पूरी बैक के लिए अच्छी है। आपकी लोअर बैक भी स्ट्रॉन्ग बनती है, आपकी बैक में अच्छी कटिंग आती है। इसके भी 3 सेट लगाएं, हर सेट में 15 से 20 रेपिटेशन तक लगाएं। एक्सरसाइज नंबर 3, लेइंग लैट पुल डाउन। इसमें आप फ्लोर पर लेट जाएं और टॉवल को उसी तरह टाइट पकड़ लें और टॉवल के दोनों सिरों को खींच के रखें। टॉवल को शोल्डर विड्थ के थोड़ा बाहर से पकड़ें, फिर टॉवल को अपनी चेस्ट के पास लाएं और फिर आगे लेके जाएं। जब आगे लेके जाएं तो अच्छी तरह बैक को पूरा आगे स्ट्रेच करें और जब पीछे लेके आएं तो बैक को अच्छी तरह स्क्वीज करें। ये आपके लैट्स मसल्स को तेजी से चौड़ा बनाती है और लोअर बैक को भी स्ट्रॉन्ग करती है। इसके भी 3 सेट लगाएं और हर सेट में 15 से 20 रेपिटेशन तक लगाएं। एक्सरसाइज नंबर 4, सुपरमैन। इसमें आप फ्लोर पर लेट जाएं और फिर अपने हाथों और अपने पैरों को एक साथ उठाएं और 1 सेकंड होल्ड करें, फिर नीचे जाएं। अपने हाथ आगे की तरफ खींच कर रखें और पैरों को पीछे की तरफ खींच कर टाइट रखें। अपनी बॉडी को एकदम टाइट रखना है, अपनी बैक को हमेशा स्ट्रेच करके रखना है। जब हाथ और पैर उठाओ तो बैक को स्क्वीज करो और वापस नीचे जाओ तो बैक को स्ट्रेच करो। ये एक्सरसाइज आपकी लोअर बैक और ग्लूट्स के लिए बहुत अच्छी है। इसके भी 3 सेट लगाएं और हर सेट में 15 से 20 रेपिटेशन तक लगाएं। एक्सरसाइज नंबर 5, बैक पुशअप। इसमें आप अपने पैर बेंच पर या कुर्सी पर या किसी भी ऊपर जगह पर रख सकते हो। जैसे आप डिक्लाइन पुशअप लगाते हो उसी पोजीशन में आए, फिर जैसे आप पुशअप लगाते हो वैसे ही नीचे जाएं और फिर ऊपर आते समय पीछे जाएं। जब पीछे जाएं तो बैक को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच करें और फिर आगे आएं, नीचे जाएं, उसी तरह पुशअप लगाएं, फिर ऊपर आते समय पीछे जाएं। आप चाहें तो अपने पैर नीचे भी रख सकते हैं, पर पैर को ऊपर रखने से आपकी बैक ज़्यादा स्ट्रेच होगी। ये एक्सरसाइज आपकी बैक को तेजी से चौड़ा करती है। इसके भी 3 सेट लगाएं, हर सेट में 15 से 20 रेपिटेशन तक लगाएं। तो फ्रेंड्स, ये थी वो 5 एक्सरसाइज जिसे आप घर पर ही कर सकते हो और आप इसे हफ्ते में 2 दिन जरूर करें। इससे कुछ ही दिनों में आपकी बैक चौड़ी और कटिंगदार बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो 5 बैक एक्सरसाइज एट होम पर जिसे आप घर पर ही कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो बैक वर्कआउट एट होम पर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए वर्कआउट के साथ, नई जानकारी के साथ। टिल देन, बाय बाय।